हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते हैं जहाँ पे पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL का लास्ट वीक चल रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 24वें मैच की, जो कि खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। यह मैच आपको 7 मार्च को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी आप 35% देख सकते हैं, टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 19% जीतने का चांस है, तो वही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 81% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका अवे स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का अवे स्कोर 180 है, तो वही सेकंड इनिंग का अवे स्कोर 163 है। वहीं आगे बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर कराची किंग्स 0 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे बीरू भाई का नंबर दिया हुआ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी कराची किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे कराची किंग्स का टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अब तक डाउन चल रहा है। टीम अब तक 6 मैच खेलकर जिसमें से 2 मैच जीत और 4 हार के साथ पॉइंट टेबल नंबर 5 पे स्टेबल है। अब यहां से टीम के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया है। वहीं टीम के कैप्टन की बात करें तो जहां पे शान मसूद है, वहीं टॉप ऑर्डर में जहां पे शान मसूद एंड टीम साइफर्ट कर रहे हैं। नंबर 3 पर जहां पे जेम्स विंस उतर रहे हैं, जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, एक भी रन भी नहीं बना पा रहे। वहीं टीम का मिडिल ऑर्डर की बात करें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसमें आपको शोएब मलिक है, मोहम्मद नवाज है। मलिक ने 6 मैच में 177 रन बनाए। वहीं फिनिशिंग के लिए जहां पर किरण पोलार्ड एंड इरफान खान है, पोलार्ड ने 5 मैच में 196 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो यहां पर अनवर अली, जो कि ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, हसन अली 9 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर है। जहां पर ब्लेसिंग मुजरबानिया है, जाहिर महमूद जो विकेट नहीं दिला पा रहे। वहीं पर स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पर मोहम्मद नवाज जो टीम को सफलता दिला सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे शान मसूद जो कि कप्तान है, जेम्स विंस है, टीम साइफर्ट है, किरण पोलार्ड है, शोएब मलिक है, मोहम्मद नवाज है, इरफान खान है, हसन अली है, अनवर अली है, जाहिद महमूद और ब्लेसिंग मुजरवान। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे किरण पोलार्ड है, शोएब मलिक और हसन अली है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अप एंड डाउन वाला परफॉर्मेंस किया है, जो कि पिछले कराची किंग्स का भी सेम ही प्रॉब्लम है। यहां पे जो कि लास्ट गेम में जहां पे टीम जीत कर आ रही है, जहां पे 7 मैच में से 3 हार और 3 जीत के साथ पॉइंट टेबल नंबर 4 पर खिसक गई है। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि ऑलराउंडर जहाँ पे सदाब खान है, ओपनिंग में जहाँ पे मुन्नो और हेल्स की जोड़ी आपको देखने को मिल रही है, दोनों टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, जहाँ पे मुन्नो ने अब तक 201 रन बनाए। नंबर 3 पर जहाँ पे अगस्त सलमान है, अगस्त सलमान टीम का लीडिंग रन स्कोरर भी बैटर है, उन्होंने अब तक 6 मैच में 225 रन बनाए। वहीं पर लो ऑर्डर में जहाँ पे विकेट कीपर आजम खान है, जॉर्डन कॉक जो कि मैच को फिनिश कर रहे हैं। वहीं जहाँ पे बॉलिंग में जहाँ पे नसीम शाह है, हुनैन शाह की जोड़ी देखने को मिल रही है, दोनों ने मिलकर अब तक 12 विकेट निकाले हैं। वहीं फहीम असरफ जो कि पेस अटैक में है, जहाँ पे सदाब खान ने 6 इनिंग में 9 विकेट लेकर टॉप पेस टेबल है। जहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट आपको इमाद वसीम जो कि लीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुनरो है, सदाब खान है जो कि कप्तान है, अगस्त सलमान है, आजम खान है, जॉर्डन कॉक्स है, नसीम शाह, उनैन शाह, इमाद वसीम है, फहीम अशरफ है, रुमानो रईस है। अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि अगस्त सलमान है, कॉलिन मुनरो, सदाब खान है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हो विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे कराची किंग्स होगा, यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को हार मिल सकती है। अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीम का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन वाला चल रहा है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।